सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कल की वीडियो पे सबसे पहला कमेंट किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो थैंक यू यार सपोर्ट करने के लिए। जो भी लोग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आप ही सभी का सहारा है बस। तो चलिए हमारी फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे मून मिशन को लेकर के। तो सबसे पहले तो ये कि हमारा जो मून मिशन था वो सक्सेसफुल रहा बिल्कुल प्योरली। तो इसके लिए पहले तो हम सभी को खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए हमारे इसरो के ऊपर में। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जो शायद वर्ल्ड में आज तक कभी भी नहीं हुई है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है यहाँ पर। तो जब ये मिशन चल रहा था वहां पर इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम चल रहा था, जहाँ पर पीक वॉचिंग 8 मिलियन से भी प्लस जा चुकी थी। और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 8 मिलियन या कि 7 मिलियन तक भी किसी की वॉचिंग गई हो। तो यार इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन चुका है जिन्होंने मून के ऊपर में सॉफ्ट लैंडिंग की है, और ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया जिन्होंने मून के साउथ पोल के ऊपर में लैंडिंग की है, क्योंकि वहां पर आज तक कोई भी देश लैंडिंग नहीं कर पाया। यहाँ तक कि रूस का एक मिशन था अभी कुछ टाइम पहले ही, शायद 2 से 3 दिन पहले वो लैंड करने वाला था, लेकिन वो मिशन बिल्कुल ही फेल रहा उनका, वो लैंडिंग नहीं कर पाए वहां पर। तो अभी इंडिया बन चुका है फर्स्ट कंट्री जो कि साउथ पोल के ऊपर में एक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और आगे अपना मिशन कंटिन्यू करने वाला है। आगे आने वाले 14 दिनों के अंदर में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाले है इसरो की तरफ से। तो गाइज आप इसी से कितना खुश हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले, जो कि है एल्विश यादव के बारे में। तो गाइज एल्विश यादव का एक ऐसा फैन जिन्होंने एल्विश यादव को जो टैटू अपने छाती के ऊपर में बनवा रखा है, और ये कोई टेम्परेरी नहीं है, जी हाँ परमानेंट टैटू उन्होंने बनवाया अपनी छाती के ऊपर में। बहुत प्यार करते हैं लोग। चलो जी हाँ। भाई मेरे दोनों भाई आ रखे हैं यहाँ पे, और मेन चीज मैं दिखाऊँ इतना प्यार जो भाई मेरे से करते हैं, ये भाई ने अपनी छाती में मेरे टैटू करवा रखा है। बहुत प्यार कर रहा हूँ, भाई ने छाती में टैटू करवा रखा है यार, ये देख तू। और भाई के करवा रहे हैं, भाई है भाई से बहुत प्यार है भाई। अरे भाई चलो बहुत बढ़िया, एल्विश भाई नाइस टू मीट यू भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंतजाम को नाम रोशन कर दे भाई आपने, एक नंबर का बहुत बहुत ठीक भाई, लव यू भाई, आपने दिल तय ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल ओके भाई जी, राम राम जी। अभी हमारी अगली अपडेट है जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर ने फाइनली एक ट्वीट किया जहाँ पर बताया कि अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी हेट फैलाने की कोशिश करता है तो वो लीगल एक्शन लेने वाली उनके ऊपर में। बाकी अगर आप चाहो तो डिटेल से पढ़ सकते हो उसमें और क्या क्या बोला गया यहाँ पर जिया शंकर की तरफ से। और गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है केआरके के बारे में। तो केआरके एल्विश यादव के ऊपर में एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल के ऊपर में, एंड यहाँ पर केआरके एल्विश यादव के बारे में काफी सारी गलत गलत चीजें बोले यहाँ पर। लुखे अनपढ़ गवार एल्विश यादव के बारे में, देखिए मैं इस बदतमीज लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। ये बिग बॉस ओटीटी में आया और उसे जीत गया, और तब जाकर मुझे पता चला कि कोई अनपढ़ गंवार एल्विश यादव भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, जो ऐसा मानता है कि औरतों को गालियां देना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, औरतों के बारे में गलत सलत बातें करना उसका कर्तव्य है। अगर वो लड़कियों को गालियां नहीं देगा, लड़कियों के बारे में गलत सलत नहीं कहेगा, तो लोग उसको मर्द नहीं मानेंगे। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।